हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट डोसा, उसके साथ कोकोनट चटनी, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी होता है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोकोनट डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप चावल। चावल को अच्छे से पानी में धो के हम उसको 4 से 5 घंटा के लिए भिगो के रखेंगे। चार घंटा के बाद चावल अच्छे से भीग गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ग्राइंडर जार में। इसमें डालेंगे 1 कप नारियल, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम 4 से 5 घंटा रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच चना दाल। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, इसमें डालेंगे 1 कप कटा हुआ नारियल, 2 चम्मच डालेंगे फ्राइड चना दाल, 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 ग्रीन चिली, थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच दही। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा चटनी तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच तेल। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों, जीरा, इसके साथ डालेंगे 2 से 3 सूखी मिर्च, थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम फ्रेश कड़ी पत्ता को तोड़ के इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और हमारा तड़का अभी रेडी हो गया है। अब इसको हम डाल देंगे चटनी में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा नारियल चटनी बनके तैयार हो गया है। अब हम डोसा बना लेंगे। तो 4 से 5 घंटा हमने रेस्ट करने के लिए इसको रखा था। अब हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम बनाएंगे डोसा। तो यहाँ पर मैंने तावा को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और इसमें हम डाल देंगे बैटर। थोड़ा सा इसको फैला लेंगे इस तरह से। साइड में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल का यूज हम नहीं करेंगे। इसको कवर करके मीडियम फ्लेम में हम कुक करेंगे और 2 मिनट के बाद ये देखिए हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। तो सेम प्रोसेस में हम बाकी के डोसा भी बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा डोसा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।